श्रमिक एल्गार संगठन की पारोमिता गोस्वामी ने विविध मांगों को लेकर पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार से मुलाकात की। श्रमिक एल्गार संगठन की अध्यक्षा पारोमिता गोस्वामी ने नियोजन भवन में चंद्रपुर जिले के पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार से भेंट की। इस दौरान उन्होंने जनता को हो रही परेशानियों से अवगत कराया, जिसमें प्रमुखता से शराबबंदी पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि शराबबंदी को लागू हुए 4 साल हुए, मगर अभी भी शराब शहरों तथा गांव में धड़ल्ले से बिक रही है तथा सिंदेवाही तालुका के 23 गांवों में अभी भी SC महामंडल अपनी सेवा न देने की बात भी उनके आगे रखी। बसेस की सुविधा न रहने से ग्रामवासियों को पैदल ही गांव जाना पड़ रहा है और वन्य प्राणियों के कारण जान का भी खतरा बना रहता है। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए पालक मंत्री ने तुरंत ही बस सेवा शुरू करने तथा रास्तों को ठीक करने के आदेश दिए। पारोमिता गोस्वामी ने आगे कहा कि सावली तालुका में वसतिगृह न रहने के कारण विद्यार्थियों को या तो बाहर जाना पड़ रहा है या फिर शिक्षा से वंचित रहना पड़ रहा है। नांदगांव के मजदूर के हाथ निजी डॉक्टर के लापरवाही से खराब होने के कारण उसे शासकीय अनुदान देने की मांग की। कीटनाशक छिड़काव में मजदूर की मृत्यु होने पर उसे भी अनुदान देने की मांग की। इस सभी मांगों पर पालक मंत्री ने तुरंत ही कार्रवाई करने का ठोस आश्वासन दिया। इस समय उपाध्यक्ष विजय सिद्धावार, महासचिव घनश्याम मेश्राम, रवि नेताम, सुलेमान बेग, विशाल नर्मलवार, शांताराम आदि मौजूद थे। CTV न्यूज के लिए हमारे संवाददाता सुलेमान बेग की रिपोर्ट।